हाय, आज हम देखेंगे डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। इसमें फर्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ ए रेस टू एक्स। ओके, इसका डेरिवेटिव देखना है। सो इसका डेरिवेटिव हम निकालेंगे बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। ओके, सो हमें पता है फर्स्ट प्रिंसिपल के लिए हमें एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स प्लस एच लगेगा। सो यहाँ पे कंसिडर करते हैं, लेट f of x equal to a raised to x and f of x plus h is equal to, मतलब x की जगह पे x plus h लिखना है। सो यहाँ पे मिलेगा a raised to x plus h। ओके, सो हमारे पास है फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है? f dash of x is equal to लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड एच। इसमें दोनों वैल्यूज पुट करते हैं। सो इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो ए रेस टू एक्स प्लस एच माइनस ए रेस टू एक्स डिवाइड एच। या फिर देखिए a रेस टू x प्लस h है। सो इसके लिए हमारे पास एक इंडाइसिस फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला देखते हैं। a रेस टू m इंटू a रेस टू n है, तो इसके लिए हम लिखते थे a रेस टू m प्लस n, मतलब अगर बेस सिमिलर है तो उसकी पावर की एडिशन करते हैं। सो यहाँ पे हमें a रेस टू m प्लस n है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सही है, अगर राइट साइड हमारे पास है तो हम उसकी लेफ्ट साइड लिख सकते हैं। सो यहाँ पे हमें गिवन है ए रेस टू एक्स प्लस एच, तो इसको हम लिख सकते हैं। देखिए मैं लिखता हूँ, इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो ए रेस टू एक्स इंटू ए रेस टू एच माइनस ए रेस टू एक्स, ऐसे लिख सकते हैं बाई यूजिंग दिस फॉर्मूला। ओके, सो डिवाइड h। अब देखिए दोनों टर्म में a रेस टू x, a रेस टू x है, सो उसको कॉमनली आउटसाइड निकालते हैं। इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू ज़ीरो, सो दोनों में से a रेस टू x आउटसाइड, सो इन ब्रैकेट यहाँ पे रिमेनिंग है a रेस टू h माइनस यहाँ पे वन रिमेनिंग रहेगा और डिवाइड h। अब देखिए लिमिट एच टेंस टू जीरो के लिए ए रेस टू एक्स तो कांस्टेंट बनेगा, यहाँ पे तो कोई एच की टर्म नहीं है या कुछ एच यहाँ पे नहीं है, तो इसको कांस्टेंट है तो आउटसाइड लेते हैं। ठीक है, लिमिट के बाहर लेते हैं ए रेस टू एक्स इंटू लिमिट एच टेंस टू जीरो ए रेस टू एच माइनस वन डिवाइड एच। अब यहाँ पे देखिए लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो a रेस टू h माइनस वन डिवाइड एच, इसके लिए हमारे पास वैल्यू है a। सही है, इसी फॉर्म में हमने फॉर्मूला देखा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। सो इसकी वैल्यू होती है a रेस टू x इंटू इसकी वैल्यू log a होती है। सही है, सो इज इक्वल टू हमें मिला है a रेस टू x इंटू log a। ये है डेरिवेटिव ऑफ a रेस टू x विथ रिस्पेक्ट टू dx। ओके, नेक्स्ट देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ, ओके नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू x। ओके, इसके लिए है डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। सो फंक्शन क्या है, यहाँ पे सर्च करते लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स और एफ ऑफ एक्स प्लस एच मिलेगा ई रेस टू एक्स प्लस एच। ओके, सो फर्स्ट प्रिंसिपल है हमारे पास। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स
is equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x divide h. ओके, सो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं f ऑफ x प्लस h और f ऑफ x की. सो ये मिलेगा हमें इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 e रेस टू x प्लस h माइनस e रेस टू x डिवाइड h. फिर से e रेस टू x प्लस h है तो इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 e रेस टू x इंटू e रेस टू h. ये कैसे लिखा मैंने, अभी मैंने आपको बताया था इंडाइसेस फॉर्मूला क्या होता है. ई ए रेस टू यम प्लस एन है सो इज इक्वल टू लिख सकते हैं ए रेस टू यम इंटू ए रेस टू एन. अगर ए रेस टू यम प्लस एन है सो ए मतलब यहाँ पे ई है तो ऐसे लिख सकते हैं बाय इंडाइसेस फॉर्मूला माइनस ई रेस टू एक्स डिवाइड एच. सही है, अब देखिए इस दोनों टर्म में ई रेस टू एक्स कॉमन है सो आउटसाइड निकालते हैं उसको. इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 ई रेस टू एक्स आउटसाइड इन ब्रैकेट यहाँ पे रिमेनिंग है ई रेस टू एच माइनस ए ई रेस टू एक्स तो आउटसाइड है तो यहाँ पे रिमेनिंग 1 डिवाइड एच. अब देखिए इस लिमिट के लिए ई रेस टू एक्स तो कॉन्स्टेंट है सो इसको आउटसाइड लेते हैं e रेस टू x इंटू लिमिट h टेंस टू 0 e रेस टू h माइनस 1 डिवाइड h. देखिए इसकी वैल्यू बनती है e. ओके, e मतलब log e बनती है सो e रेस टू x और ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म है तो इसकी वैल्यू है इंटू log e. बट हमें पता है लॉग की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है. सही है, लॉगरिथम में हमने देखा है. सो ई रेस टू एक्स इंटू 1 सो क्या मिलेगा ई रेस टू एक्स. सो ये डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स. ओके, थैंक यू गाइज़.